उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 10, बेदर्दी। बेदर्दी एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज़ है जिसका प्रीमियर 26 मार्च 2018 को ARY डिजिटल पर हुआ। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में ऐमन खान और अफान वहीद शामिल है। इसे अब्दुल्ला सेजा ने आई ड्रीम इंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे शगुफ्ता भट्टी ने लिखा है, अहमद भट्टी ने इसे डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की टोटल 29 किस्त है। इस ड्रामे की आखिरी किस्त 27 अगस्त 2018 को नशर की गई। नंबर 9, आंगन। आंगन एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज है जिसे खतीजा मस्तूर के अवार्ड याफ्ता नावल आंगन से माखूज किया गया है। इस ड्रामे का प्रीमियर 20 दिसंबर 2018 को हम टीवी पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 27 जून 2019 को नशर की गई। इब्तदाई चंद इकसात के अलावा ब्रिटिश इंडिया में कायम होने वाली कहानी आलिया की कहानी के तौर पर बयान की गई है, जो एक पुरजोश लड़की है और बरसगीर पाको हिंद की तकसीम के वक्त मुतासर होने वाले रिश्तों की कहानियों की गवाह है। आजमाइशों को पेश करती है। इसके अपने ख़ानदान के तौर पर फितनों को तकसीम किया गया था। इसे मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में मावरा हुसैन, अहद रजा मीर, सज्जल अली, एहसन खान, हीरा मानी और सोनिया हुसैन शामिल है। इस ड्रामे की टोटल 27 किस्त है। नंबर 8, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो 2019 की एक पाकिस्तानी रोमानवी टेलीविजन सीरीज़ है जिसे हुमायूं सईद और शहजाद नासिब ने सिक्स सिग्मा इंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे नदीम बेग ने डायरेक्ट किया है। खलीलुर रहमान कमर ने इसे लिखा है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में हुमायूं सईद, आयजा खान और अदनान सिद्दीकी शामिल है। इस ड्रामे का प्रीमियर 17 अगस्त 2019 को ARY डिजिटल पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 25 जनवरी 2020 को नशर की गई। इस ड्रामे की टोटल 23 किस्त है। नंबर 7, रांझा रांझा करदी। रांझा रांझा करदी 2018 की एक पाकिस्तानी रोमानवी टेलीविजन सीरीज़ है जिसे हम टीवी पर नशर किया गया। इसे काशिम निसार ने डायरेक्ट किया है। फायजा इफ्तखार ने इसे लिखा है और इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में इकरा अजीज़, इमरान अशरफ और सैयद जिब्रान शामिल हैं। यह पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख के सबसे मशहूर ड्रामों में से एक है। इस सीरियल को मुमिना दुरेद ने MD प्रोडक्शंस और SPCH प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की टोटल 31 किस्त हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 3 नवंबर 2018 को हम टीवी पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 1 जून 2019 को नशर की गई। नंबर 6, रक्से बिस्मिल। रक्से बिस्मिल एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज़ है जिसका प्रीमियर 25 दिसंबर 2020 को हम टीवी पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 9 जुलाई 2021 को नशर की गई। इसे मारूफ फिल्म डायरेक्टर वजाहत रऊफ ने डायरेक्ट किया है और शाजिया वजाहत ने शोकेस प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में इमरान अशरफ, जारा शेख और सारा खान शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 28 किस्त है। इस ड्रामे का प्रीमियर 25 दिसंबर 2020 को हम टीवी पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 9 जुलाई 2021 को नशर की गई। नंबर 5, दीवानगी। दीवानगी एक पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज़ है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई इंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे सादिया अख्तर ने लिखा है, जिशान अहमद ने इसे डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 41 किस्त हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 18 दिसंबर 2019 को जियो इंटरटेनमेंट पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 26 अगस्त 2020 को नशर की गई। नंबर 4, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत एक पाकिस्तानी रूहानी रोमानवी टेलीविजन सीरीज़ है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई इंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में फिरोज़ खान, इकरा अजीज़ और जुनेद खान शामिल हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 12 फरवरी 2021 को
जियो इंटरटेनमेंट पर हुआ। सीरीज़ को नाजरीन की आला दर्जा बंदी और नाकदीन की जानिब से मिले जुले रिव्यूज़ मिले, जिन्होंने मरकजी कास्ट की अदाकारी की तारीफ़ की, लेकिन कहानी को मुश्किल होने की वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया गया। यह सीरीज़ यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसकी तादाद 2 अरब से भी ज़्यादा है। इस्टामे की टोटल 39 एपिसोड है। इस्टामे की आखिरी किस्त 5 नवंबर 2021 को नशर की गई। इसे हाशिम नदीम के नोवेल अब्दुल्ला से माखूज किया गया है। नंबर 3, परीजाद। परीजाद एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है, जिसे हाशिम नदीम के नोवेल परीजाद से माखूज किया गया है। इसे शहजाद काश्मीरी ने डायरेक्ट किया है और मोमिना दुरेद ने MD प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे का प्रीमियर 20 जुलाई 2021 को हम टीवी पर हुआ। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में अहमद अली अकबर, यमुना जैदी, उष्णा शाह, सबूर अली, उर्वा हुसैन, नुमान इजाज और मिशाल खान शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 29 एपिसोड हैं। इस ड्रामे की आखिरी किस्त 1 फरवरी 2022 को नशर की गई। नंबर 2, मेरे हम सफ़र। मेरे हम सफ़र एक पाकिस्तानी ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसे हुमायूं सईद और शहजाद नासिब ने सिक्स सिग्मा इंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे कासम अली मुरीद ने डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे का प्रीमियर 30 दिसंबर 2021 को ARY डिजिटल पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 3 अक्टूबर 2022 को नशर की गई। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में फरहान सईद, हानिया आमर, सबा हमीद, वसीम अब्बास, समीना अहमद, जोया नासर, हीरा उमर और तारा महमूद शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 40 एपिसोड हैं। मेरे हमसफ़र हाला की एक लड़की के गिर्द घूमता है, जिसे इसके वालिद इसके घर पर छोड़ जाते हैं, जहां इसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। बाद में इसका कज़न बैरून मुल्क से वापस आता है और इससे शादी करता है और इसे वो इज्जत देता है जिसकी इसे हमेशा ज़रूरत थी। हाला को इसकी ताई जान ने सारी ज़िंदगी बदसलूकी का निशाना बनाया। इसके कज़न हमजा ने इसे इज्जत और प्यार दिया। नंबर 1, कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी की कहानी एक बिजनेस टाइकून के बेटे शमशेर के गिर्द घूमती है, जो एक मतवसत तबके के पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाली महक से मोहब्बत करता है। ड्रामे के दौरान कुछ नाखुशगवार वाकयात रोनमा होते हैं और महक शमशेर से नफरत करने लगती है, और चूंकि शमशेर के घर वाले इसके रिश्ते को मंजूर नहीं करते, इसलिए कहानी मजीद उलझ जाती है। दानिश तैमूर बतौर शमशेर एक कारोबारी शख्सियत का बेटा है, ज़िद्दी और अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। दुरेफशा सलीम बाहैसियत महक एक लेक्चरार की बेटी है, तबीयत में शाइस्ता है और मतवसत तबके के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती है। हमाद शुएब बतौर एहसन महक के कज़न और मंगेतर हैं। नुमान इजाज और अतीका ओडो बाहैसियत मिस्टर और मिसिज नवाब दलावर का ताल्लुक एक बाअसर कारोबारी ख़ानदान से है, जिसमें एक ऑर्थोडॉक्स ज़हनियत है। ख़ानदानी इकदार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शमशेर एक गैर रवायती माहौल में महक से मोहब्बत करने लगता है और मोहब्बत और नफरत के इस रिश्ते में तकदीर खो जाती है। शहूद अलवी और लैला वास्ती बतौर मिस्टर और मिसिज अक्रम महक के वालिदैन हैं। वो मसलसल हंगामा आरई में रहते हैं, क्योंकि बिगड़े हुए शमशेर को पहली नज़र में ही इनकी बेटी से मोहब्बत हो जाती है। जब ख़ानदानी इकदार बहुत मजबूत होती हैं तो बाज़ुकात ख़ानदान के अफराद को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और कैसी तेरी खुदगर्जी ऐसी ही एक मिसाल है। इसे रादेन शाह ने लिखा है और अहमद भट्टी ने इसे डायरेक्ट किया है।